जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं और उस क्षेत्र में अपने कदमों को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते हैं, तो समय के साथ आपके कदम जो हैं आपके क्षेत्र में मजबूत होते चले जाते हैं और यही कदम फिर एक दिन सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए बिहार। बिहार में नालंदा जिला है, वहीं पर हूँ। नए बकरी पालक हैं, बात करें तो लगभग 6 महीने पहले बकरी पालन की शुरुआत किए थे, तो इनसे हम सीखेंगे कि कैसे बकरी पालन की शुरुआत इन्होंने करी। अगर कोई बकरी पालन करता है तो उसके लिए कितने क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है, कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, खिलाने पिलाने की ये क्या व्यवस्था करते हैं, तमाम तरह की ऐसी जानकारी अभी आगे वीडियो में आपको मिलेगी। साथ ही हम जानेंगे कि बकरी पालन की शुरुआत इन्होंने 6 महीने पहले कितने बकरियों से शुरू करी थी, वर्तमान में अभी कितनी बकरियां हैं, कौन से नस्ल पे काम कर रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो से हमारे ऐसे भाई जो अभी भविष्य में अभी आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं उनके लिए, या जो बकरी पालन की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में किए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। अपना नाम और पूरा परिचय। जी, मेरा नाम अनुज कुमार हुआ, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, बिहार। बकरी पालन की शुरुआत कब आपने करी? बकरी पालन का शुरुआत आज से 8 महीना पहले किया था। 8 महीने पहले? जी। ये शेड जो है अभी बनवाया है या पहले से बना हुआ था? शेड को मैंने बनवाया है। जी, शेड बनाया है, मिट्टी भरवाई किया, उसके बाद बकरी पालन खोला। लगभग ये जो आपका एरिया, जो अभी फार्म का जो एरिया है, कितना एरिया है ये? करीब करीब 2.5 कट्ठा। 2.5 कट्ठा? जी हाँ। तालाब भी है? तालाब भी है। अच्छा, पीछे तालाब भी है। जी हाँ। मतलब कहने का मतलब है कि समेकित रूप से आप बकरी पालन, समेकित रूप से आप फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी भी है आपके पास, मुर्गी भी हम देख रहे हैं कड़कनाथ का है, और पीछे में मछली पालन भी आप कर रहे हैं? जी हाँ, मछली पालन भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बकरी पालन की, तो जो शुरुआत किए थे, लगभग कितनी बकरियों से आप शुरुआत किए थे? पहली लाए थे बरबरी, लाए थे 8 बकरी। फिर देखें कि नहीं, भले बरबरी लाए ही हैं, लेकिन जो एरिया है, जो इसका इलाका है, जो मौसम है, जो वातावरण है, वो ब्लैक बंगाल का है, और इधर के लोग ब्लैक बंगाल को मांग करते हैं। लेकिन हमने देखा कि हम जब बकरी पालन शुरू किए तो इस बरबरी बकरी लाए हैं, तो गाँव वाले लोग मेरा बच्चा को मांग रहे हैं, एक बच्चा हमको दीजिए, बच्चा हमको दीजिए, बरबरी का पालने के लिए, पालने के लिए मांग रहे हैं। तो हमको तो ब्लैक बंगाल भी रखना है, बरबरी रखना है, दोनों पाल रहे हैं। तो अभी कितनी ब्लैक बंगाल आपके पास है, कितनी बरबरी है? अभी मेरे पास 8 को ब्लैक बंगाल है, 10 को बरबरी है, मैंने बच्चा बड़ा हो गया जो वाला, हाँ। उसके अलावा बच्चा है। कहने का मतलब कि अभी लगभग आपके पास, अगर बड़े छोटे बकरियों को मिला के जानवर की बात करें, तो 30 की संख्या है? जी, 30 की संख्या है। और 8 से शुरुआत की? जी, और आपके सामने आज बच्चा को दे दी तो बढ़ी गई ना, वो बच्चा दे दिए भी आपके सामने दी तो वो बह गई। अभी जैसे जो आप जानवर रखे हुए हैं, तो खिलाने पिलाने की इनकी क्या व्यवस्था आप करते हैं? खिलाने पिलाने की व्यवस्था में सर, अभी तो रखे हुए हैं, जो बता रहा हूँ, रखे हुए चना का भूसा, मसूर का भूसा रखा हुआ हूँ, तो अभी स्टॉक माल है। अभी हम 90% हरा चारा दे रहा हूँ, 10% सूखा चारा दे रहा हूँ, इसीलिए कि 100% करता हूँ। तो डर इस बात का है कि बरसात का मौसम है, अगर 100% दोनों टन हरा चारा खिलाता हूँ तो हो ना सके कि दस्त करने लगी, तो दस्त करेगी तो प्रॉब्लम आएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा कि 10% सूखा चारा देता हूँ, 90% हरा चारा, लेकिन हरा चारा आज काटते हैं तो कल सवेरे देते हैं। कहने का मतलब कि आज लाते हैं तो आज एकदम उसको फ्रेश नहीं देते, एक दिन बाद बासी जो करके उसको देते हैं? आज लाए हरा चारा, उसको काट दिए, काट के आप पसार दिए, हल्का मोटा में, मतलब हवा लग जाए और सवेरे खिला देते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कर? जी। जब बकरी पालन लगभग 8 महीने पहले आपने कही कि इसकी शुरुआत करी, तो उसके पहले क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे? लॉकडाउन लग गया, तब लॉकडाउन लग गया तो न घर के न घाट के, करना तो कुछ है ही है, कहीं जाना नहीं है, तो क्या चीज़? जब से पढ़े लिखे हैं तो और कुछ कर सकते थे, बकरी पालन क्यों किया? बकरी पालन इसीलिए कि यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब छेड़ रहे थे, उमेश सर का, कुशवाहा सर का वीडियो देख लिए,
एक नहीं मैंने कुशवाहा सागर सब्सक्राइब किए तो जितना भी वीडियो था सब आ गया, सब में देख लिए। उसके बाद कुशवाहा सागर से बात किए तो उसमें भी लॉकडाउन लगल था, उसमें लॉकडाउन लगा था तो बोले से तो हम सर को मैसेज किए, बात नहीं किए सर, बोले हम भी बिजी हैं, मैंने कुछ तबियत खराब से कहा तो ऐसा सा बात है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लीजिए। तो कुशवाहा सागर से ऑनलाइन ट्रेनिंग किए और आज आपका परिणाम सामने है। तो आपने उमेश सर से ऑनलाइन ट्रेनिंग ली? जी, उसमें लॉकडाउन था सर, तो लॉकडाउन में तो किसी को आना जाना तो गाड़ियाँ बंद जाइए किसे आप, तो सर वैसा बात देखिए ऐसा है लॉकडाउन है ये है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लीजिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग कर दिए, करा दिए और जितना भी वहाँ देते थे सर ट्रेनिंग करते थे जितना सब का वीडियो मैंने भेज देते थे, क्लास दे के सब वीडियो मेरे मोबाइल पर भेजते थे, देख ली कर ली ट्रेनिंग। मार्केट में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उनका मानना है कि उमेश सर जो है वो फ़ोन नहीं उठाते, ट्रेनिंग एक बार ले लिए तो फिर आप हम आपको पहचानते नहीं, ये वाली हाल हो जाती है। हमने किसी और का वीडियो देखा है किस तरह जब बकरी पालन में या कोई चीज़ सर्च करिएगा तो बहुत तरह उसी तरह बहुत तरह आदमी अति आता यूट्यूब पर, तो कुछ वहाँ देख रहे थे एक बार कोई आदमी किन्हीं का आया, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, तो आया तो देख उसने बता रहा था कि कुछ वहाँ सर ऐसे है वैसे है, तो हमने उसको सके भैया आप जो कहिए आपके लिए वो चोर है चिल्हा है उससे हमको मतलब नहीं, हमरे तो वो अच्छा है इसलिए हमारे सामने वो बढ़िया है, क्योंकि आज कभी भी मैंने सर को रात में भी शायद 10 बजे के बाद किया था, एक बार दिन में किया था, एक बार शाम में, जितना भी मैंने कॉल किया है तो एक सर को एक बार कॉल नहीं लगा है, बाकी हर बार कॉल लगा है सर, कॉल उठाए हैं और कॉल उठाए हैं सर, हमसे बात किए हैं, इलाज बताए हैं, और जब कभी हम मैंने फार्म पर नहीं है कहीं और चले गए हम खुद बिजी हैं तो सर को हमने वॉइस कॉल करके मैं अपना जो समस्या है भेजे हैं और सर सर ऑडियो कॉल मैंने वॉइस कॉल करके हमारे यहाँ बताए हैं, हमने किया है जब भी सर का कॉल किए हैं जो कहता है वो कहने दीजिए, हमको जो सर किए हैं हम अपना बता रहे हैं, हमसे तो ऐसा नहीं हुआ कि सर नहीं बताएं, सर कभी भी हम कॉल किए हैं सर के यहाँ हम बात किए हैं सर बताएं समस्या ठीक भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है जो कह रहे हैं या तो बदनाम कर रहे हैं या जो अलग बात है बोला मैटर उनका है, लेकिन हमारे तरफ से असर की तरफ कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। अब बात करते हैं कि जैसे अभी इसमें जो है आप बकरी भी रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि कुछ मुर्गी भी रखे हुए हैं, ऐसा क्यों? देखिए सर बकरी हाँ हम कहते हैं जो भी मेरे दोस्त लोग बारी कर रहे हैं तो हमसे सीनियर ही हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन शिक्षा लेना छोटा बड़ा तो नहीं होता चल लीजिए, लेकिन हम तो ये कहेंगे बकरी पालन कर रहे हैं भैया भाई लोग तो मुर्गी जरूर रखिए। अच्छा, नहीं तो कम से कम दो मुर्गी रखिए, लेकिन रखिए, कारण क्या है सुनिए कि बकरी खाना खाती है, भूसी खिलाते हैं, कट्टू खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं और सफाई कितना कम रखता है फिर भी कीड़ा मकोड़ा कीड़ा आता है पिल्लू लग जाता है वो बकरी खा लेगी, मुर्गी खा लेगी मुर्गी खाएगी सर तो बकरी का वायरस इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा, इससे अगर बचाव होगा वो अलग हो गया, बकरी मुर्गी अंडा देगी, अंडा दीजिएगा आपकी इच्छा तो बैठा लीजिए नहीं चाहे तो बेच दीजिए 20 रुपये अंडा, अगर 20 रुपये अंडा खर्चा भी निकलते रहे, अगर 20 रुपये अंडा बेचते हैं 500 बेच दिया 100 रुपया हो गया, सर एक पैकेट नमक हो जाएगा क्या उसको तक खाने का सोडा हो जाएगा, बकरी की दवाई हो जाएगा, ये कर बिल्कुल। अब जैसे बात करते हैं सिर्फ जानवर की, तो जानवर जो आपने शुरुआत में जो जानवर लिया कितना सिर्फ जानवर में कितना खर्चा आया लेने में करीब करीब 1.5 लाख रुपया लगा है, ब्लैक बंगाल और बर्बरी दोनों मिला के 1.5 लाख 1.5 लाख रुपये लगा ना। और अभी जैसे इतने दिन 8 महीने में हुए तो कुछ आपने बेचा भी है इसमें? जी हमने 2 गो यही हाल फिलहाल 15 दिन पहले मैंने बेचा हूँ। बकरीद में? नहीं बकरीद में नहीं, इधर हम लोग एरिया तरफ असाही पूजा होता है। अच्छा, उसको गोलग्रमता ही बोलते हैं, असाही पूजा ही बोलते हैं, उसमें 2 ठो सेल किया हूँ। कितना में लगभग सेल किए? 1-7, 1-6। तो मतलब साथ में अब तैयार हो रहे हैं बच्चे तो उनको आप बेच भी रहे हैं? जी हाँ सेल किया, 2 महीने सेल किया है, उसे ऐसा खत्ता में निकल जाएगा बकरी का। अभी जैसे इतने दिन में आप बकरी पालन किए, बरबड़ी भी आपके पास है, ब्लैक बंगाल भी है, दोनों के ग्रोथ में आप क्या अंतर पाए? अगर आप मान लीजिए कि कोई नए बकरी पालक हैं और को अगर उनको सलाह चाहिए, अगर आपसे मान लीजिए कि आप एक अनुभवी बकरी पालक हैं तो आपसे अगर कुछ सलाह लेना चाहें तो आप क्या कहेंगे बकरी पालन में क्या मतलब कैसे उनको देखना चाहिए इसमें? देखिए सर हमारे हिसाब से तो ये है कि बकरी पालन में ब्लैक बंगाल और बरबड़ी रखिए, लेकिन ब्लैक बंगाल को फर्स्ट बच्चा देगी उसको बराबर क्रॉस नहीं कराइए। अच्छा
ठीक है, लेकिन लेकिन ये कहेंगे जो बकरी एक बच्चा दे दी है उसके द्वारा बच्चा देगी तो दो बच्चा देगी, नियंत्रण वही कहता है उसको आप बरबरी से कराइए क्रॉस ब्लैक बंगाल से, तो ब्लैक मैंने बाप बरबरी माँ ब्लैक बंगाल, तो बच्चा ग्रोथ अच्छा आएगा और सौर बच्चा आएगा, वेट गेन अच्छा करेगा, वेट गेन अच्छा करेगा। अभी जैसे आपके पास जो ब्रीडर है ये भी देख रहे हैं क्रॉस ब्रीड में है? जी हाँ, ये ब्रीडर में देख रहे हैं आप, आपके सामने है, क्रॉस ब्रीड में है, इसका बच्चा सब देख ही रहे हैं, सब पूरा फाइन बच्चा आ रहा है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, मैंने 70 दिन से ये भर कुछ नहीं, कोई 65 का है, कोई 50 दिन का है, कोई 68 दिन का है, यही मेरा बच्चा है। नहीं, एक बात है कि मेमने जितने भी आपके पास हैं काफ़ी तंदुरुस्त हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, तो एक इसका भी रीज़न बता दीजिए। इसका एक रीज़न है कि स्वस्थ के साथ सबसे पहले आप बकरी को आप खाना पीना बढ़िया रखते हैं तो माँ स्वस्थ, बच्चा स्वस्थ, माँ हेल्थ रहेगी, बच्चा हेल्थ आएगा, वो अलग मैटर है। अब बच्चा दे दिया, अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा को दिन भर में 3 बार दूध पिलाइए, उसके बाद 5-6 दिन के बाद उसको जो भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, A to Z हुआ, फिमरेल हुआ, एक टाइम A to Z दीजिए 10 बूंद, एक टाइम फिमरेल दीजिए, बच्चा जन्म के 5 दिन बाद से बच्चा आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। और ऐसा नहीं है कि आप किसी ट्रेनिंग कर लिए या छोड़ दिए तो फिर गड़ जाएगा, और ट्रेनिंग किए हैं हमें नहीं करने का, 50 गो लाइए, 25 गो लाइए, 10 ये उसे करिए, क्योंकि बहुत कुछ पालते पालते भी आदमी, हाँ कुछ आदमी अगर आप ट्रेनिंग किए हैं तो 100% में अगर 90% आप सीख चुके हैं प्रैक्टिकल में, तो 10% अगर 90% थ्योरी सीखे हैं तो 10% अगर प्रैक्टिकल सीख ही जाइएगा, बिल्कुल, तब जाके 100% 100% होगा, ऐसे नहीं कर लिए तो ऐसा नहीं होगा, सीख लिए हम तो इधर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक सामने नहीं होगा, आप ही एग्जाम देते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ लिया हो गया नहीं ना, आप उसके लिए पढ़ते हैं तब एग्जाम देते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी है, पालिएगा, दो बकरी रखिए, 4 गो रखिए, 5 गो रखिए, और अगर उसमें भी संभव नहीं है तो 2 खांसी ले आइए दीदी को, बच्चा उसी को पालिए रखिए और तब जाकर प्रैक्टिकल तब करिए, हाँ ऐसा नहीं कि जानकारी तब होगी, ऐसा नहीं कि 20 बकरी ले आए अब खब हो गया कि सर्दी हो गया दिखाई पड़ नहीं रहा, बीमार मर गया, कैसे मर जाएगा जी, कैसे मर जाएगा, आपको सर सिखाएंगे, सर सिखाते हैं ट्रेनिंग में जी, बकरी अंदर लाने से लाइए पहले, उसके बाद उसके पहले आप पोटेशियम परमैंगनेट से 4 पैर और शुद्ध कपड़ा से मुंह पोछ लीजिए, इससे क्या होगा बकरी कहाँ से आ रही है, कौन सा वातावरण से आ रही है, क्या दिक्कत है, वो सही हो जाएगी। अब बकरी लाए हैं उसको गर्म पानी में पहले उसको खाना मत दीजिए, अरे 12 बजे आज क्या दिक्कत है जी, पानी भी नहीं पिलाइए, अगर आज लाए हैं किसी टाइम लाए हैं तो भूखले रहे, आज खाना नहीं देना है, पानी नहीं पिलाना है, जाने बकरी मरेगी नहीं, दिन दिन 3 रुपया प्यासी रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कष्ट करिएगा तो बकरी आपका बिहान से दीजिए गुड़ में गर्म पानी में हल्का सा गुड़ मिला के उसको पिला दीजिए, जितना भी इन्फेक्शन तिक्शन बाहर से आएगी सब खत्म हो जाएगा, 3 दिन आप गर्म पानी में हल्का सा उसमें में गुड़ दीजिए पिलाइए, स्वस्थ बकरी रहेगी, न सर्दी होगी न खोखी होगी, ढंग से अपने वातावरण में चलाएगी, ढल जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान लगता है जितनी भी बातें आपको अक्षरशः बताई गई थी सारी की सारी आप दिमाग में बैठे हुए हैं? देखिए सर, बात ऐसा है, बताएं ज़रूर है, पढ़ाते सबको, शिक्षा सबको देता है, ऐसा कि नहीं, लेकिन कोई कोई इंसान है पढ़ा रहा तो ऐसा बैठाता है कि सर पिक्चर देख रहे हैं, पढ़ाई देख रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं हम, पिक्चर भी देखते हैं, पिक्चर ज़्यादा क्यों होता है याद, क्योंकि वहाँ कभी कभी कॉमेडी कर रहता है, इसीलिए ध्यान रहता है कि यहाँ रहा, इसीलिए सर में है, कभी कभी अच्छा चीज़ दिखा देते बीच में, ध्यान बैठ जाता है कि नहीं सही बता रहे हैं, वैसे होता है। एक बात बताइए, खिलाने में अगर जैसे आप अभी जो खिला रहे हैं तो खिलाने में लगभग क्या खर्चा आ रहा होगा? खिलाने में सर देखिए समय समय की बात है, ठीक है, खिलाने में सबसे पहले अगर खर्चा कम करना है तो सीजन के सीजन भूसा को स्टॉक कर लीजिए, सीजन के सीजन घास, बरसीम घास के ठंडा के मौसम में बरसीम बुन दीजिए, और क्या बोलता है इसको मक्खन घास बुन दीजिए, जो है तो जो लगा दीजिए, इससे आपका खर्चा कमेगा और दामा ग्रोथ करेगी, और अभी समय है डाट का, निपियर का, एम्पीचरिया का, उसको बुनिए, सुधान का, सुधान बोलते हैं उसका बुनिए, इससे खर्चा आपको कमेगा, फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बकरी पालन में करते हैं तो कम से कम महीना में 8 साल में कम से कम तो 8 से 9 महीना आपको हरा चारा देना है, तभी ये बकरी पालन करिए, नहीं तो नहीं करिए।
अब बात करते हैं जो आप पीछे तालाब बनाए हुए हैं, लगभग कितना एरिया है? मेरा तालाब सर 2 कट्ठा का है। अभी कौन कौन सी मछली उसमें डाली? इसमें सर मेरा ग्रासकर है, रूपचंद मछली बोलता है, और मेरा अमेरिकन है, अमेरिकन बोलता है, लेदर वाला मछली होता है वो वाला, उसको लादुस कहते हैं, कॉमन कार्प। हाँ, लेदुस भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, अमेरिकन रोहू भी बोलते हैं। नहीं, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिकन रोहू कहते हैं, लेकिन उसको जो कॉमन कार्प है, 3 तरह की जो चाइनीज मछली है, हाँ। कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, उसी में कॉमन कार्प है, उसको लोग अमेरिकन रोहू कहते हैं। कहने का मतलब कॉमन कार्प डाले हुए हैं, ग्रास कार्प और रूपचंद डाले हुए हैं। जी हाँ, अपनी अपनी भाषा में सब बोलते हैं, हम तो रूपचंद है, ग्रास कार्प और अमेरिकन, 3 चीज़ हम डाले हुए हैं। ये जब सब साथ ही में किए थे एक साथ की, पहले से तालाब है बना हुआ? नहीं, देखिए सर हुआ क्या, मेरा एरिया है 4.5 कट्ठा का है, 4.5 कट्ठा का एरिया है सर, तो इतना बनाना अभी संभव नहीं है, माल भी कम है, पूंजी भी कम अभी है, तो 2.5 कट्ठा को मैंने बना दिया, जो 2 कट्ठा बचा उसी की मिट्टी को हमने भराई कर दिया, वो गड्ढा हो गया मेरा फ्री का, उसमें तालाब बना दिए हैं। अब समस्या जब बड़ा माल भर जाएगा पूरा, उसको बढ़ा देंगे, पिलर खड़ा कर देंगे। तो अभी तक उसमें हार्वेस्ट किए हैं कि नहीं? मछली तो निकाले नहीं है सर, लेकिन खाने के लिए निकाले हैं, बेचने के लिए सेल नहीं किए हैं। अच्छा, वो अभी खाने के लिए निकाले हैं उसमें से? हाँ, 1.5 किलो 3 पौवा तैयार है। हाँ, तैयार है मछली। बहुत सारे लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, तो उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। भाई लोग से मेरा यही अनुरोध या निवेदन है, या दिल से कर रहे हैं कि भाई लोग, पालन तो बहुत अच्छा है, दुनिया लोग इस पर हंसेंगे, बोले अभी अच्छा काम करना, बकरी पाला है नहीं, दुनिया हंसता तो हंसने दीजिए, अपना काम करे, भाई लोग हमको कोई खा नहीं देता है, अरे हम बोलेंगे चलो भाई खाने के लिए, चल खा लिए, आज खिला देगा कल नहीं खिलाएगा, वो आदमी देखेगा सर मुंह घुरा लेगा। अच्छा कर्म करिएगा सर दुनिया जलेगी, खराब कर्म करिएगा सर दुनिया हंसेगी, तो क्या करें, जो मन है जो करते हैं, हंसने वाला हंसते रहे, अपना काम कर रहे हैं, कोई खाना हमको थोड़ा दे रहा है। कि सर अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास समय है, तो समय है तो करिए, तो नहीं करिए, समय है संसाधन देख लीजिए कि क्या हम हरा चारा भून सकते हैं, क्या खाना खिला सकते हैं, क्या 24 घंटा में 22 घंटा हम फार्म पर रह सकते हैं, तो आप करिए या तो नहीं करिए, है ना कि कर लिए हमको ही बदनाम किया, क्या खराब किया, नहीं, बदनाम से बचिए, हम खराब होंगे दूसरा खराब मत करिए। बकरी पालन करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ये नहीं देखिए कि महिला हो गया, गंदी हो गया, बच्चा दे रही है, बास से बुला के लाना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं, बकरी पालन करना है तो समस्या का समाधान करिए, खुद करिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए, जब तक मेहनत नहीं करिएगा समस्या का हल नहीं होगा, पालन नहीं कर सकते हैं आप। साथ ही एक जानकारी लीजिए, ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग नहीं करिएगा तो संभव नहीं है बकरी पालन, इसीलिए नहीं है, अका आपको कि बकरी पालन पैखाना कर दिया तो फैला की दवाई दे दिए तो ठीक हो गया, नहीं, बकरी पालन अगर बकरी मेरा पैखाना कर रही है, पतले पैखाना कर रही है, क्या कहाँ से कर रही है मालूम आपको है? नहीं, हो सकता है उसके पेट में कीड़ा होगा, बकरी गाभिन है तो गाभिन बकरी को अलग दवाई पड़ता है कीड़ा का, जो गाभिन नहीं है उसको अलग दवाई पड़ता है, उसका टॉनिक पड़ता है, तो अगर कुछ मालूम नहीं है तो सफल हो जाइएगा, इसलिए जानकारी जरूरी है, जानकारी ले के ही पालन करिए, अन्यथा नहीं करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी, थैंक यू सर। दोस्तों, आपने सुना इनकी बातों को, जब आपके पास समय है, अपने बाड़े में आप 22 घंटा 20 घंटा दे सकते हैं, संसाधन है, तभी बकरी पालन करें, साथ ही एक आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। और यही सब कारण है दोस्तों कि बकरी पालन को लोग लोक लुभावन वीडियो देखने के बाद कर लेते हैं, और जब समस्या आती है तो ना तो वो समय देते हैं और ना ही उनके पास संसाधन होता है, और बकरी पालन में नुकसान होने का एक कारण ये भी होता है। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।